वेलकम फ्रेंड, अगर आपको इस तरह का बोर्ड मिले तो इसे हम वायरिंग कैसे करते हैं ये चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कि यहाँ देखिए, एक होल्डर है, एक इंडिकेटर है और तीन स्विच है और दो सॉकेट है। इन सभी को हम कैसे वायरिंग करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा होल्डर में दो तार निकला हुआ है तो हम यहीं शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इस तार को काट के हम पहले स्विच में जोड़ लेंगे। ये मेरा होल्डर का एक कनेक्शन हो गया स्विच में। हम अब स्विच से एक एक सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने एक सॉकेट में डाल दिया और ये दूसरा पॉइंट ये स्विच वाले में। इसे हम टाइट कर देंगे और फिर ये तीसरा भी वही करेंगे, यहां से यहां तो उठा कर देंगे। ये देखिए, पहले होल्डर का एक कनेक्शन उठाकर स्विच के एक कनेक्शन में डाल दिया, दूसरा इस सॉकेट का कनेक्शन उठाकर स्विच के सॉकेट में डाला, कनेक्शन में डाला, और इस सॉकेट का कनेक्शन उठाकर इस स्विच में डाला। मेरा एक कनेक्शन रेडी हो गया। अब हम मेन लाइन को डायरेक्ट करेंगे, यानी कि एक फेस मेरा सभी में डायरेक्ट रहेगा। इसमें भी डायरेक्ट रहेगा, इसमें भी डायरेक्ट रहेगा, होल्डर में भी डायरेक्ट रहेगा, और वो जो डायरेक्ट रहेगा उसका बाहर से कनेक्शन चलाएगा। तो आइए करते हैं। ये देखिए, यहाँ होल्डर का जो एक्स्ट्रा तार है उस तार को मैं पहले इस सॉकेट में डाल देते हैं ताकि ये और ये डायरेक्ट हो जाए। उसके लिए हम सबसे पहले इसे आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद एक सॉकेट में डाल दिए। ये यहां से उठाकर इस सॉकेट में डालेंगे ताकि एक ये और एक ये तीनों डायरेक्ट हो जाए। और हम कुछ तार लेंगे ताकि ये बाहर ऐसे निकाल दें। ये देखो, अब मैंने क्या किया समझ लीजिए, ये बाहर से लाइन आएगा, जो बाहर से लाइन आएगा पहले सॉकेट में जाएगा, फिर दूसर का सॉकेट में जाएगा और फिर वहाँ से उठकर ये होल्डर में डायरेक्ट चला आएगा। यानी कि ये डायरेक्ट है मेरा सभी इस एक दो और एक तीन में। अब बचा स्विच को कनेक्शन करने के लिए, तो स्विच का भी कनेक्शन हम इसे सेम करेंगे, एक स्विच से दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में। ये देखिए, एक स्विच से ये दूसरे स्विच में, अब ये दूसरे से तीसरे स्विच में करेंगे।
और यहाँ से जब तीसरे स्विच में करेंगे तो एक एक्स्ट्रा तार बाहर निकाल देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से निकलेगा, ताकि यहाँ से जो लाइन आए एक स्विच में आए, फिर दूसरे स्विच में आए, फिर तीसरे स्विच में आए। ये देखिए लगभग मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, ये होल्डर के लाइन को पहले स्विच में डाला, फिर दूसरे सॉकेट को उठा के इस स्विच में डाला, तीसरे सॉकेट को उठा के फिर इस स्विच में डाला, और उसके बाद जो होल्डर का लाइन एक कनेक्शन बचा था उसे डायरेक्ट किया यहाँ से उठा कर इसमें, और फिर यहाँ से उठा कर इसमें, और फिर इसे हम बाहर निकाल दिए, ताकि बाहर से जो लाइन है ये तीनों चीज़ें देखिए एक कनेक्शन किया हुआ है। इस कनेक्शन में हम यहाँ से स्विच में डालें, फिर इससे स्विच में डालें, फिर इस तीसरे स्विच में डालें, ताकि यहाँ से लाइन आएगा तो पहले स्विच में सही में चला जाएगा। अब देखिए अब मेरे पास एक बचा इंडिकेटर, अब देखिएगा इसे हम कैसे वायरिंग करते हैं। तो ये जो मेरा स्विच का लाइन है यहाँ पे देखिए है, एक यहाँ से यहाँ पे आया है, तो इसे हम इस वाले पॉइंट में डाल देंगे, ताकि ये यहाँ से लाइन आए तो यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाए। ये देखिए हो गया। अब बचा ये एक कनेक्शन, तो याद है ना, तो ये देखिए इस तरह का ये जो वायर है हम इसमें जोड़ देंगे जो डायरेक्ट बाहर से आया है। थोड़ा सा छील देते हैं कहीं भी और उसी में हम जोड़ देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब मेरा वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जब हम इसमें लाइन देंगे तो ये मेरा पूरा वर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।